हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम से, और ये देखिए समा का चावल साबूदाना, इससे बहुत अच्छे हम पुडिंग बनाएंगे, स्वीट डिश बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने आधा लीटर दूध, ठंडा दूध था फ्रिज का रखा हुआ, मैंने पैन में डाल दिया है और इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, गर्म होने के लिए। अब इसमें जैसे ही उबाल आता है तो देखिए मैंने 1/4 कप समा का चावल पानी में अच्छे से धो के भिगो दिया था, और ये ओवरनाइट भिगा रहा, इससे ये काफ़ी अच्छे से फूल जाता है और गलता भी जल्दी है। और मैंने 1/4 कप ये साबूदाना भी पानी में, छोटा वाला साबूदाना है देखिए, भिगो दिया था, जो अच्छे से फूल गया है, और देखिए खूब अच्छे से फूल के ये भी तैयार हो गया है। तो इसको हम ये आधा लीटर दूध में इसको हम यूज़ करेंगे। तो सब साबूदाना मैं अभी नहीं डालूंगी, सबसे पहले देखिए ये बॉयल हो गया है, गरम हो गया है अच्छे से, और इसको मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ ये आधा लीटर दूध हमें लेना है, और इसमें हम कोई मिल्क पाउडर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। और ये समा का चावल मैं इसमें अब मैं डाल देती हूँ, क्योंकि ये गर्म हो गया है और ये इसमें बॉयल आने से पहले ही मैंने इसमें ये समा का चावल डाल दिया है। दूध बॉयल होने लगा है, दूध में बॉयल आ गया है, और इसको मैं अब धीमी आंच पर तब तक पकाऊंगी जब तक ये समा का राइस गल नहीं जाता, क्योंकि देखिए रात का भीगा हुआ है तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इसको सिम पे मैं तब तक पकाऊंगी जब तक समा का राइस गल नहीं जाता। देखिए फ्रेंड, जब तक ये बॉयल हो रहा है धीमी आँच पर, समा का राइस गल रहा है, दूध में खीर बन रही है, तब तक मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये काजू और कोकोनट मैंने मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा दरदरा कर लिया है। ये ड्राई कोकोनट है जिसको मैंने लच्छे में तैयार करके रखा हुआ था, और आप चाहें तो ग्रॉसरी स्टोर से भी लच्छा मिल जाता है। बारीक बुरादा नहीं मैंने यूज़ किया है, मैंने इसमें लच्छे वाला जो कोकोनट होता है वो यूज़ किया है ड्राई, और इसमें काजू, इसको मैंने देखिए थोड़ा सा मोटा मोटा मिक्सर ग्राइंडर में मैंने पल्स मोड पे थोड़ा सा करके इसको मैंने हल्का सा कर लिया है, और इसको मैं थोड़े से देसी घी में, करीब आधा चम्मच टीस्पून देसी घी में, बस आधा टीस्पून देसी घी में इसको मैं हल्का सा इसका कच्चापन निकाल दूँगी। इसको बहुत लाल नहीं करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए, जिससे इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है। और देखिए ये केसर है, तब तक मैं इसमें दूध में केसर डाल दूंगी। मेरे को केसर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरे अक्सर पुडिंग वगैरह में मैं कलर की बजाय केसर यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे को बहुत हल्का सा पीला रंग चाहिए, और मैंने केसर इसमें डाल दी है। केसर से एक अलग तरह का अरोमा और टेस्ट डेवलप होता है को खाने की चीज़ में, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। ये देखिए ये कोकोनट, और ये हो गया है, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है, हल्का सा कलर आ गया है, और बहुत ही बढ़िया ये इसमें अच्छे से हो गया है। और देखिए इधर मैं अपनी खीर में थोड़ा सा देख लेती हूँ कि समा का राइस अगर गल गया है तो हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। गल गया है बिल्कुल, देखिए जितनी देर में मैंने किया है समा का राइस, बहुत अच्छे से इसमें गल गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। देखिए चीनी मैं अभी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि चीनी थोड़ी अभी पड़ते ही हमारी जो पुडिंग होती है, दूध जो होता है वो थोड़ा पतला हो जाता है। आप चाहे पानी में डालें और चाहे इसमें दूध में डालें, तो चीनी आप इसमें अपने जितना आप मीठा खाते हैं उस हिसाब से डाल दीजिए। मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी डाल दी है, और इसको मैं फिर से पकने दूंगी। चीनी डालने के बाद इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, तो मैं इसको थोड़ा सा फुल फ्लेम कर दिया है मैंने दोबारा से, और इसको मैं पका लूँगी। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है केसर का, और धीरे 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 के कलर आता है। इसको मैं पहले से दूध में अलग भिगो के नहीं रखती हूँ केसर को, मैं जब गर्म करती हूँ दूध को पुडिंग के लिए उसी समय मैं केसर इसमें डाल देती हूँ। इससे इसमें जो फ्लेवर है पूरा डेवलप हो जाता है बहुत अच्छे से।
तो देखिए ये केसर पक रही है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अब इसमें साबुदाना डाल रही हूँ। जो 1/4 कप मैंने साबुदाना भिगोया था उसको मैंने पूरा ऐसे ही इसमें ऐड कर दिया है। और क्या होता है, फ्लेम देखिए मैंने थोड़ी सी फुल करी थी, आपको बताया था कि चीनी डालने के बाद थोड़ी सी आँच कम हो जाती है, चीनी से ठंडी हो जाती है। और अब मैंने देखिए साबुदाना डाला तो वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पर था, रूम टेम्परेचर पे, तो उससे भी थोड़ा टेम्परेचर आपकी कुकिंग का जो बॉइलिंग टेम्परेचर पर है कम हो गया, तो मैंने अभी फुल रखा है। अभी मैं इसमें ये जो काजू और मैंने कोकोनट इसमें मैंने डाले हुए हैं, भुने हैं, इनको मैं अब इसमें ऐड कर देती हूँ। अब मैं फ्लेम को धीमी आंच कर दूंगी, कम कर दूंगी, और इस सबको पूरे को मैं धीमी आंच पर पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से बॉईल हो रहा है, आपको मैंने जैसे दिखाया वो सामान मैंने इसमें सब ऐड कर दिया है। और इसको मैं बिल्कुल गाढ़ा होने तक पका लूंगी, जैसे फिरनी होती है इतना गाढ़ा होने तक पका लूंगी। अभी इसमें एक ट्विस्ट बाकी है, तो आप वीडियो देखते रहिए। आप ये मत सोचिएगा कि इसकी कुकिंग पूरी हो गई और ये डिश बन गई, अभी इसमें एक चीज़ बाकी है जो बहुत इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके फ्लेवर के लिए, लुक के लिए और इसके टेस्ट के लिए, वो अभी इसमें बाकी है। तो इसको हम बिल्कुल गाढ़ा होने तक पका लें। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी गाढ़ी हो गई है। अभी मैंने फ्लेम को फुल किया है आपको दिखाने के लिए कि देखिए ये कितनी गाढ़ी हो गई। और अब जल्दी से अब इसमें हम ये चिरौंजी डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून। चिरौंजी इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती है, इसमें इतने छींटे आ रहे हैं, गाढ़ी हो रही है, तो इसको मैंने फिर से सिम कर दिया है। और अब हम थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे, तकरीबन 1 मिनट बस। ये तक गाढ़ी हो गई है, आपको मैं इसकी दिखाती हूँ, ये देखिए। ये अभी जब ठंडी होगी ना और गाढ़ी हो जाएगी, उसमें के बाद हम इसमें एक चीज़ इसमें ऐड करेंगे जो बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर देगी। गरम गरम में हम उसको ऐड नहीं करेंगे, हम उसको ठंडे में ही ऐड करेंगे, और फिर आप देखिएगा कितनी लाजवाब ये पुडिंग होती है व्रत की। बिल्कुल आप व्रत में फलाहारी में इसको ठंडा करके बिल्कुल चिल करके खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा कि मेरा वो ट्विस्ट क्या है और वो चमत्कारी आइटम क्या है जो इसमें मैं डालूंगी, ऐड करूंगी। तो अभी मैं इसको 1 मिनट और पका के गाढ़ा कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी गाढ़ी हो गई है, ये देखिए आप कितनी गाढ़ी हो गई है, ये ऐसे सिमट भी रही है। बस इस समय हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे, ये देखिए आप देखिए कितनी गाढ़ी हो गई। और अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको अभी मैं फैन में ही ठंडा करूंगी, बस इतना ही ठंडा करूंगी कि ये इसके जो एकदम जो इसके सिजलिंग हॉट है ना, फ्यूम्स इसके आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, वो बंद हो जाए आने, तो इतना ही इसको हम बस ठंडा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने इस तरह से चलाते हुए ठंडा किया है और अभी भी ये ठंडा नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि ये इतना गर्म है कि इसमें से धुआं नहीं निकल रहा है, और आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है। ऐसे ही हमें गाढ़ा रखना है क्योंकि ये अभी और गाढ़ा हो जाएगा, हमें इसको एकदम ठीक रखना है जैसे हम फिरनी के लिए रखते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी पिसी इलायची, तकरीबन मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच पिसी इलायची, उसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। देखिए बहुत तेज़ गर्म में जब हम पिसी इलायची डालते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा वो ख़त्म हो जाता है महक का, तो हमको पिसी इलायची कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम पिसी इलायची डाल रहे हैं तो हम बाद में डालें, लेकिन अगर हम उसको छिलके के साथ तोड़ करके उसकी पूरी बट डाल रहे हैं तो हम कुकिंग के समय जिस समय वो गर्म हो रहा है बिरयानी वगैरह में हम ऐड कर सकते हैं, तब उसमें खुशबू नहीं जाती है।
और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये आम। ये मैंगो के देखिए पीसेस हैं, छोटे छोटे करे हुए, पल्प नहीं है, मैंने इसको मिक्सी में नहीं चलाया है। और ये तकरीबन 3/4 कप मैंगो है और आप इसमें 1 कप मैंगो भी डाल सकते हैं और इसमें आप मीठा आम भी डाल सकते हैं और हल्का सा टैंगी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन बहुत खट्टा अगर आप आम डालेंगे तो दूध फट जाता है गरम गरम हो तो इसलिए आप कोशिश ये करिएगा कि मीठा आम हो और जब इसमें से बिल्कुल फ्यूम्स निकलने बंद हो जाएं तब आप आम ऐड करें। इसलिए देखिए मैंने आम अब ऐड किया है और अब मैं इसको डिश में ट्रांसफ़र कर दूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे अब डिश में ऐसे ट्रांसफ़र करूँगी और इसको मैं बिल्कुल ठंडा करूँगी, बिल्कुल चिल्ड इसको करूँगी मैं। आप देखिए, ये देखिए कितना एकदम थिक है, देख रहे हैं आप कितना थिक है। ऐसा ही इसको हमें थिक बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने 4 घंटे फ्रिज में रखा है। आप चाहें तो अगर आपको 1 घंटे में ठंडा करना है, चिल करना है, 1.5 घंटे में, आप इसको डीप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इसको जमाना नहीं है, इसको आइसक्रीम की तरह मत जमाइएगा। ये बिल्कुल मैंगो फिरनी की तरह एकदम थिक हो जाएगा और इसमें जो मैंगो के पीसेस आते हैं खाने में साथ में, लाजवाब लगते हैं। तो ये आप व्रत में पुडिंग बना सकते हैं, बहुत लाजवाब ये मैंगो पुडिंग है जो हमने बनाई है समा के चावल से और साबुदाने से और दूध से। इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं है, बहुत सिंपल पुडिंग है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल पर आते रहिए। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए और अनूठी पे विजिट करते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स सो मच।